हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉकडाउन के बाद 8000 और 10000 के नीचे कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद मोबाइल खरीदना चाहते हो जो कि 8000 और 10000 के नीचे हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अंडर 8 के स्मार्टफोन के बारे में। मेरे इस वीडियो की लिस्ट में 3 अंडर 8 के स्मार्टफोन है। फर्स्ट जो स्मार्टफोन है वो है रेडमी 8। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, रेडमी 8 में आपको मिल जाता है 6.22 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें मिल जाता है, और 5000 mAh का बिग एमएच का बैटरी का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। 2GB का रैम और 32GB का स्टोरेज इसमें मिल जाता है, और स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है 8000 के नीचे के बजट में। अगर आप चाहें तो इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फ़ोन आता है वो है रियलमी C3। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, Realme C3 में आपको मिल जाता है 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh के बैटरी, 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज, MediaTek Helio G70 का दमदार प्रोसेसर इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन माने तो ये फ़ोन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकते हैं अंडर 8 के बजट में। डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, लिस्ट में नंबर 3 नंबर पे जो फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स हॉट 8। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स हॉट 8 पे आपको मिलेगा 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, MediaTek P22 का प्रोसेसर का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये इस मोबाइल को आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका बजट कम है और आप हाई रैम और हाई स्टोरेज वाला फ़ोन चाहते हैं तो इस मोबाइल के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं अंडर 10000 वाले फ़ोन के बारे में। इस लिस्ट में 10000 के नीचे 2 फ़ोन हमने रखी है। दोनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग खरीद सकते हैं। तो चलिए दोनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, अंडर 10000 की लिस्ट में जो पहला फ़ोन आता है वो है वीवो U10। तो चलिए इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वीवो U10 के साथ आप लोगों को 6.35 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 13+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, 3GB का रैम, 32GB का स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो फ़ोन है जो कि 10000 की बजट के नीचे का फ़ोन है वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi Note 8। वो 10000 के नीचे अब ये Xiaomi Redmi Note 8 आपको नहीं मिलेगा, 500 ज़्यादा मिल सकता है GST के कारण। तो चलिए इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। Redmi Note 8 पे आप लोगों को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड प्राइमरी कैमरा का सेटअप, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, चार्जर 4000 mAh का बैटरी, 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 665 का सपोर्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत ही कम है 8000 के नीचे है तो पहला जो 3 फ़ोन था उसमें से जो को भी फ़ोन आपको पसंद है वो फ़ोन ले सकते हैं। और अगर आपका बजट 10000 के अंदर है तो मैं रिकमेंड करूँगा Redmi Note 8 को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आपके लिए शानदार हो सकता है। तो दोस्तों, Realme के Narzo सीरीज़ और Redmi के 9 सीरीज़ और Samsung के M11 सीरीज़ आप लोगों को जून के महीने में देखने को मिलेगा। इसका अपडेट मैं इस चैनल में दे दूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।